बनाने जा रहे हैं आज हम पिज्जा। पिज्जा के लिए सामग्री हमने निकाल लिया है। गांव में देसी स्टाइल से पिज्जा बनाएंगे, देसी तरीके से। जो चीज़ हमारे घर में उपलब्ध है उसी से। ये हमने लिया है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, लाल मिर्च। चलिए फिर इनको सभी को काट लेते हैं। पिज्जे की तैयारी करते हैं और बनाते हैं पिज्जा। सारी चीज़ें हमने काट लिया है। देखिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, लाल वाली मिर्च, ये हमने काट के रख लिया है। आज हम बनाएंगे ब्रेड से पिज्जा। चलिए फिर ब्रेड निकाल लेते हैं। ये हमने ब्रेड निकाला है, चार ब्रेड लिया है। आज हम इसी से पिज्जा बनाएंगे, ब्रेड वाला। चलिए फिर दूध में ब्रेड को भिगो देते हैं। ये हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिया है। कटोरी में दूध, सूजी जिसको रवा बोलते हैं हमारे यहाँ। चलिए फिर अब बनाते हैं गांव के तरीके से पिज्ज़ा। कैसे बनता है आप लोग देखिएगा कैसे हम बनाते हैं। बच्चे बहुत दिनों से जिद कर रहे थे। सबसे पहले हम ब्रेड को एक थाली में लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से ब्रेड को रख दिया है। अब इसमें डालेंगे हम दूध जिससे कि ब्रेड अच्छे से भीग जाए। एक कटोरी दूध हम डाल देंगे। अब हम डालेंगे रवा इसी के ऊपर। ये हमने रवा डाल दिया है। थोड़ा दूध हम और डालेंगे ऊपर से जिससे कि रवा भी अच्छे से भीग जाए। अच्छे से भिगो देंगे। साइड की ब्रेड हम नहीं निकालेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही भिगो के रखेंगे। चलिए ढक के रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। चलिए देखते हैं ब्रेड कैसी फूली है। इनको अच्छे से इसी में मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। सूजी भी फूल गई है साथ में और ब्रेड भी। बहुत अच्छे से इसको आपस में मिक्स कर देंगे। ये हमारा मिश्रण तैयार। ये हमने ब्रेड और सूजी को मिला के तैयार कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हल्का सा सोडा। देखिए हल्का सा नमक डालेंगे, बिल्कुल जरा सा, थोड़ा सा ही डालेंगे। अब अच्छे से इसको मिला लेंगे। खूब अच्छे से इसको मिला देंगे। ये हमारा मिल गया है सोडा और नमक। चलिए अब अगले बर्तन में इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। पैन में हमने हल्का सा घी लगा लिया है। ये देखिए ये हमने हल्का सा घी लगाया है। अब इसी मिश्रण को इसी में पलट देंगे। ये हमने सेट कर दिया है। चलिए धीमी आंच पे चढ़ा देते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे गैस को हम जलाएंगे, एकदम हल्की सी। धीरे धीरे हम पकने देंगे। ये देखिए धीरे धीरे से
हमने ऊपर से ढक दिया है ढक्कन लगा के। इसको 20 मिनट तक पकने देंगे क्योंकि हमारे पास ओवन तो है नहीं, बिना ओवन के हम बनाएंगे। ये हमारा पिज्जा पक गया है, चलिए खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पका है, ऊपर से बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा सा है। गैस को धीमा बंद कर देते हैं। अब इसको पलट लेते हैं एक प्लेट लगा के। ये पिज्जा हमने पलट लिया है, चलिए अब दोबारा से इसको पका लेते हैं। ये हमने तवे पे पिज्जे को पलट दिया है। अब लगाएंगे टमाटर की चटनी, ये हमने घर में बनाया है। इस तरह से हम लगा देंगे। पूरे पिज्जे में फैला देंगे अच्छे से। ये हमने लगा दिया है पूरे पिज्जे पे। अब इसको हम डेकोरेट कर देंगे। अब लगा देंगे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च। इस तरह से गैस को हमने अभी ऑन नहीं किया है, बंद गैस पे पहले हम लगा देंगे। अब लगा देंगे प्याज। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पिज्जा की तरह, जैसे पिज्जा ऑर्डर करते हैं सेम एकदम उसी तरह लग रहा है। अब हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्की सी डाल देंगे क्योंकि बच्चे खाएंगे। ये काली मिर्च हमने डाला है कुटी हुई। थोड़ा सा मसाला चटपटा बनाने के लिए। चलिए अब गैस को ऑन कर देते हैं धीमी आंच पे और दोबारा से इसको ढक देते हैं। डाल देंगे घी। चारों तरफ इसको फैला देंगे। तो पिज्जा हमारा पक गया है। ये देखिए गैस हमने बंद कर दिया है। देखिए कितना देखने में लजीज लग रहा है, बिना चीज का पिज्जा कितना देखने में सुंदर लग रहा है। चलिए इसको काट के बच्चों को देते हैं। पिज्जा देखो, चलिए इसको काट लेते हैं चाकू की मदद से। ये देखिए कितना अच्छा कट रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत नरम नरम है। ये देखिए ये देखिए पीस कर देते हैं। ये देखिए ये हमने काट लिया है और ये देखिए पीछे साइड भी कितना अच्छा पका है। इस तरह से पिज्जा हमने बनाया है। चलिए आप लोग भी आ जाइए पिज्जा खाने के लिए गांव की देसी स्टाइल में। कैसा बना है आप लोग बताइएगा। ये हमारे बच्चों के लिए मनपसंद पिज्जा जो हमने आसान तरीके से घर में बनाया है। ये हमने बना लिया पिज्जा, कैसा बना है आप लोग बताइएगा कमेंट करके और शेयर करिएगा। चलिए फिर बच्चों को खिला लेते हैं आज घर में बनाया हुआ पिज्जा आसान तरीके से और बिना चीज का। कैसा बना है? अच्छा।
खाके बताते हैं आपको, बहुत अच्छा है। आप लोग भी इस तरह ट्राई करिए, घर में पिज्जा बनाइए और खाइए। पिज्जा पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पिज्जा खाके देखिए दोस्तों कैसा बना है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इस तरह बनाइए, खाइए। हम पहले पिज्जा खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे।